प्रियंका चोपड़ा के पीछे ही पड़ गई थी करीना कपूर। करण जौहर भी देखते रह गए। नमस्कार दोस्तों, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा के दिल भले ही आज एक दूसरे के लिए धड़कते हो, लेकिन एक वक्त था जब दोनों की राह जुदा थी और दोनों के बीच कोल्ड वार रहती थी। हालांकि दोनों ने एक साथ दो फिल्मों इतराज और डॉन में काम किया, साथ ही कुछ और फिल्मों में भी स्क्रीन पर नजर आई, लेकिन दोनों के बीच की कैट फाइट खत्म नहीं हुई थी। यह सब तब शुरू हुआ जब करीना कपूर रानी मुखर्जी को इंडस्ट्री में अपने लिए कंपटीशन बताया और जब प्रियंका चोपड़ा की बात निकली तो एक तंज कसा था। करीना ने कहा था, मुझे लगता है कि हम एक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्रियंका और करीना की यह लड़ाई करण जौहर के शो तक पहुंची, जहां करीना ने दावा किया कि वो बॉलीवुड की बेस्ट एक्ट्रेस है। उन्होंने कहा, अगर किसी एक्ट्रेस में थोड़ा भी एक्ट है तो वो प्रियंका चोपड़ा है। उन्होंने प्रियंका को लेकर यह बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि उनके बाद अगली बेस्ट एक्ट्रेस कौन होगी। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ज्यादातर समय लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते और उन्हें इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार उसने सही बोला है। आज के वक्त में कोई एक्ट्रेस यह जानती है कि एक्टिंग कैसे करना है तो वो मैं हूँ। करीना के प्रियंका पर रैपिड फायर राउंड में भी तंज कसा था। इस राउंड में जब करण जौहर ने इंडस्ट्री के कुछ एक्ट्रेस के नाम लेते हुए करीना से सवाल पूछने के लिए कहा तो करीना ने प्रियंका का नाम आने पर पूछा था, वो अपने एक्सेंट कहाँ से लेकर आती है। इसके जवाब में प्रियंका ने और तीखा हमला बोला और कहा कि वहीं से जहाँ करीना का बॉयफ्रेंड लेकर आता है। इसके बाद तो करण जौहर भी चुप हो गए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।